हम सबकी चाहत होती है कि हमारे बाल लंबे हो, घने हो, हेल्थी हो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत ही कम लोग हैं जिनके बाल लंबे भी होते हैं और हेल्थी भी होते हैं। लेकिन अगर आपकी ये चाहत है, आप चाहती हैं कि आपके बाल कमर तक लंबे हो, घने भी हो, हेयरफॉल बिल्कुल भी ना हो, बालों में चमक हो, और आप जब बन बनाए तो आपका जो बन है बहुत ही बड़ा दिखे, बिना किसी आर्टिफिशियल के, बिना कोई नकली बन लगाए हुए आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, आपके जूड़ा बहुत ही मोटे भारी बने, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी जिसे लगाने से आपके बालों की ग्रोथ होंगी, आपके पतले बाल मोटे होंगे और आपको बालों में कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें लगानी नहीं पड़ेगी, यानी आपको नकली जूड़ा नहीं लगाना होगा। आप जब बन बनाएंगी तो आपके बन बहुत ही मोटी और बहुत ही घनी, बहुत ही बड़ी साइज़ में दिखेंगी, और आपको बालों में वाइट हेयर की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या है, या स्कैल्प में इचिंग होती है, बाल बहुत ही हल्के हो गए हैं, आपको स्कैल्प शो हो रही है, गंजेपन की समस्या हो रही है, ये सारी समस्या आज की वीडियो में सॉल्व होने वाली है। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिले। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही पावरफुल हेयर ग्रोथ पैक बनाना जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ 10 गुना फास्ट होंगी, बालों की रिग्रोथ होंगी, न्यू हेयर ग्रोथ होंगी। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें मास्क लगाना अपने बालों में पसंद है, क्योंकि इसे अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, यानी अपने बालों पर इसे लगाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जितना आपकी बालों की ग्रोथ के लिए ऑयलिंग करना है, आपके बालों में टोनिक या टोनर लगाते हैं, उतना ही ज़रूरी आपके बालों के लिए हेयर ग्रोथ पैक होती है, यानी मास्क होती है। ये आपके पूरे बालों को रिपेयर करती है, दो मुहे बालों की समस्या को दूर करती हैं। अगर आप अपने बालों पर अच्छे से 1 वीक में एक बार भी अपने बालों पर पैक लगाती हैं तो इससे आपके बाल हेल्थी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना बाल आपके वाइट होंगे, ना ही ग्रे हेयर की समस्या होंगी, ना ही आपके बाल टूटेंगे, ना ही दो मुहे बालों की समस्या होंगी, बाल स्ट्रॉन्ग हेल्थी होंगे, आपके बालों में चमक रहेंगी। इसलिए जितना आप अपने बालों में ऑयलिंग करती हैं, टोनर लगाती हैं, टोनिक लगाती हैं, उतना ही आप अपने बालों में मास्क पे भी ध्यान दें, यानी अपने बालों पे एक बार जरूर 1 वीक में पैक लगाएं जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो पाए। जैसे कि हमारे बॉडी के लिए खाना खाना और पानी पीना बेहद ज़रूरी है, वैसे ही मास्क आपके बालों में फूड के रूप में काम करती है, इसलिए आप इसे स्किप ना करें। तो आज के मास्क में जो हम पहली चीज़ यूज करने वाले हैं वो है हिबिकस पाउडर, यानी गुड़हल के पौधे का, यानी फूल का आपको यहाँ पे पाउडर लेना है, और ये बहुत ही फायदेमंद आपके बालों की ग्रोथ के लिए। जिनको भी हेयर फॉल की समस्या है, हेयर थिनिंग है, या हेयर ग्रोथ की समस्या है, तो अगर आप बालों में इसका यूज करेंगी तो आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें विटामिन सी, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि बालों की ग्रोथ को हेल्प करती हैं, बालों की रिग्रोथ करती हैं। इसलिए आपको पहली चीज़ यहाँ पर लेनी है हिबिकस पाउडर, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर लेनी है सिकाकाई पाउडर। ये आपके बालों में एक क्लिंजर का काम करती है, आपके बालों को मजबूत करती है, आपके बालों को कलर करने में हेल्प करती हैं। जिनके बाल ग्रे वाइट हो रहे हैं और वो चाहते हैं बालों को कलर करना, तो आप भी इस रेमेडी को यूज करके अपने बालों को कलर कर पाएंगे। जी हाँ, बिना किसी डाई के आपके बाल कवर हो जाएंगे, वाइट हेयर कवर हो जाएंगे और बालों में एक बहुत ही अच्छी कलर आएगी, चमक आएगी। फिर तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है मेथी दाने। जैसा कि सभी लोग जानते हैं ये कितना फ़ायदेमंद हमारे बालों के लिए, ये भी हमारे बालों को मजबूती देती हैं, बालों में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आपको यहाँ पर लेनी है हिबिकस पाउडर, आपको यहाँ पर लेनी है मेथी पाउडर, और आपको यहाँ पर लेनी है सिकाकाई पाउडर। फिर आपको यहाँ पर लेना है ग्रीन टी, जो कि हम पीने के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारे वेट कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आपको वहीं पर यहाँ पर ग्रीन टी लेनी है, हमें यहाँ पर इसका पानी यूज करना है। तो आगे मैं बताऊँगी आपको कैसे इसे बनाना है। तो आपको एक ग्लास लेना है, इसमें आपको 2 चम्मच यहाँ पे ग्रीन टी पाउडर लेना है, भर भर के आपको यहाँ पे 1 स्पून लेनी है, और 2 स्पून आपको इसमें डालना है, और इसे आपको पानी में, इसमें ग्लास में इसे आपको भर देना है, और इसे आपको ओवरनाइट के लिए इसे ऐसे ही सोक करके छोड़ देना है, जिससे कि जो ग्रीन टी की गुडनेस है पानी में अच्छे से आ जाए, और जब हम पैक बनाएंगे यानी मास्क बनाएंगे अपने बालों के लिए तो इसके बेनिफिट अच्छे से हमारे बालों को मिल पाए। फिर यहाँ पे हम पाउडर यूज करेंगे, जहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको 3 यहाँ पे पाउडर लेनी है बालों की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, बालों को हेयरफॉल को रोकने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए। तो यहाँ पर 3 पाउडर इसमें मिक्स है, जो कि आपको किसी भी आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ले सकते
सकते हैं या ऑनलाइन भी आप ले सकती हैं। तो आपको यहाँ पे अपने बालों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी लेनी है। मैं यहाँ पे अपने बालों के हिसाब से ले रही हूँ। लगभग यहाँ पे मैंने आपको 3 से 4 चम्मच यहाँ पे पाउडर लिया है। अगर आपके बाल छोटे हैं, हल्के हैं, तो आप यहाँ 2 चम्मच यूज करें। और आप यहाँ पर दही भी ले सकती हैं, और दही ना हो तो आप दही को स्किप कर दें और सिर्फ ग्रीटी पानी का आप यूज करें। तो यहाँ पर मैंने इसे रात भर के लिए ऐसे ही सोख करके छोड़ दिया था। और इसका पानी हम धीरे धीरे इस पाउडर में मिलाएंगे। आपको यहाँ पे एक बार में पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा और अच्छे से आपके बालों पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें, जिससे कि अच्छे से ये पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। और जब इसे आप बालों में अप्लाई करें तो अच्छे से आपके बालों पे अप्लाई हो, पूरे बालों को कवर कर पाए। तो आपको ऐसे इसे मिलाना है। बहुत ही पावरफुल हेयर मास्क है, इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे आप अपने बालों पर ऑयलिंग करती हैं, टोनिक टोनर लगाती हैं, वैसे ही इसे अपने बालों पर आपको लगाना है। 1 वीक में आपको एक बार इसे ज़रूर लगाना है, जिससे कि आपके बाल मजबूत हो, हेल्थी हो, स्ट्रॉन्ग हो, बालों की ग्रोथ अच्छी हो, और जो भी आपको समस्या हो आपके बालों को लेकर वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, नए बाल उगे और आपके बाल भी कमर तक लंबे हो जाएं कुछ ही दिनों में। अगर चाहती हैं तो आप इसे एक बार यूज करके जरूर देखें। हमारे यहाँ पे पावरफुल हेयर ग्रोथ मास्क बनकर रेडी हो चुका है। बस इसे आपको अपने बालों पर लगाना है। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो बताया है, कोई भी रेमेडी लगाने से पहले अपने बालों पर अच्छे से आप कॉम्ब करें, जिससे कि आपके बालों में कोई भी टेंगल ना रहे और आपके ब्लड की फ्लो होना स्टार्ट हो। जब हम अपने बालों में कॉम करके कोई भी रेमेडी लगाते हैं तो उस रेमेडी के डबल फायदे मिलते हैं हमारे बालों पे, और हमारे बाल टूटते भी नहीं हैं। इसलिए आप जरूर अपने बालों पे कॉम करके कोई भी रेमेडी लगाएं। तो बस आपको बालों में पार्टीशन करनी है और इसे अपने पूरे स्कैल्प पे आपको अच्छे से लगानी है, बालों को कवर कर देनी है। आपको हेयर लेंथ पर नहीं लगानी है, आपको केवल स्कैल्प पर लगानी है। 1 घंटे के लिए इसे लगा के आपको छोड़ देना है। फिर अपने बालों को अच्छे से आपको धो लेना है, अच्छे से आपको अपने बालों को क्लीन करना है, जिससे कि इसके पार्टिकल आपके स्कैल्प में ना रहे, नहीं तो इससे भी आपके बालों में इचिंग होगी और आपके बाल टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप अपने बालों पे कोई भी पैक लगाती हैं तो अच्छे से अपने बालों को क्लीन करना होता है, जिससे कि इसके पार्टिकल आपके बालों में ना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।